वेल दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा कि आप अपनी ड्राइंग को कुछ ऐसे से ऐसा कलर कैसे कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा, बस आपको ठीक से प्रैक्टिस करनी होगी, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दो। सो सबसे पहले तो मैं आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, देन कलरिंग के बारे में समझा दूंगा। तो मैंने कलरिंग वाले पार्ट को जो है तीन हिस्से में डिवाइड किया है, जो आपको वीडियो में आगे जाके पता चल जाएंगे, इसी वजह से वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। तो आउटलाइन हो चुकी है डन। सो अभी मैं आपको पहले स्टेप के बारे में बता देता हूँ। तो पहला स्टेप ये है कि आपको बहुत ही ज्यादा लाइट कलर का यूज करते हुए अपने कैरेक्टर्स को एकदम अच्छे से बेस कलर करना है। मैं भी जो है बेस कलर कर लेता हूँ अपने कैरेक्टर्स को। अब दूसरा स्टेप ये है कि बेस कलर के ऊपर हम थोड़ा सा थिक कलर का यूज करते हुए सेकेंड लेयर करेंगे कलर की, जिससे सारे व्हाइट पैचेस जो है कवर हो जाएंगे एंड हमें बहुत ही ज्यादा स्मूथ कलरिंग मिलेगी। तो मैं फटाफट से जो है सेकेंड लेयर कर देता हूँ। तो सेकेंड लेयर भी एकदम अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो अभी आता है लास्ट स्टेप, जो है डिटेलिंग, जो आपको सिंपली रेफरेंस के अकॉर्डिंग करनी है। सो डिटेलिंग कैसे करनी चाहिए वो बता देता हूँ मैं आपको मेरे हिसाब से। तो डिटेलिंग की शुरुआत जो है हमेशा बॉर्डर से करना, फिर शेडोज को दिखाना रेफरेंस के हिसाब से, और उसके बाद रेफरेंस में हाइलाइट्स वगैरह होंगे तो हाइलाइट्स वगैरह दिखाते जाना है। अदरवाइज ड्राइंग में जो है फिर से बॉर्डर करनी है एंड साथ ही डेप्थ वगैरह को दिखाना है एकदम अच्छे से। तो ये सब करने से पहले मैं डेडपूल के सूट में जो ब्लैक पार्ट है उसमें एकदम अच्छे से कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, जो डिटेलिंग वाला पार्ट था, मीन्स जिसमें मैंने शेडोज एंड हाइलाइट्स वगैरह दिखाए थे, वो वाला पार्ट कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन कुछ नहीं, ज्यादा मैंने कुछ अलग किया नहीं है, बस सिंपली शेडोज एंड हाइलाइट्स को दिखाया है रेफरेंस के हिसाब से। एंड अभी मैं डेडपूल के बाकी बचे पार्ट्स को कम्प्लीट कर लेता हूँ, जैसे कि बेल्ट वगैरह एंड साथ ही उसका हाथ भी, और ये सब होते ही डेडपूल पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। सो देखो मैं कैसे एक एक करके सारे पार्ट्स को कम्प्लीट करता हूँ। सो फाइनली डेडपूल हो चुका है कंप्लीट। अब बारी आती है वुल्वरीन की। तो सबसे पहले हम स्किन को एकदम अच्छे से कलर कर देंगे शेडोज के साथ। तो वुल्वरीन के टाइम में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं सेमी स्टेप्स का यूज करूंगा जो मैंने डेडपूल में यूज किए थे। सो अभी देखो मैं वुल्वरीन को कैसे कंप्लीट करता हूं। अभी मैं उसके मार्क्स को कलर करूंगा, देन फिर से जो है ब्लू क्लोथ में कलर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लाइट लग रहे हैं। सो फटाफट से कलर कर देते हैं। एंड अब मैं बॉर्डर करते करते जो है शेडोज को दिखाऊंगा मार्क्स में। बेसिकली मैं पहले मार्क्स को कंप्लीट करूंगा देन बॉडी को। सो फटाफट से जो है मार्क्स को कंप्लीट करते हैं। और हाँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको कलरिंग कैसे करनी चाहिए। बेसिकली एक समरी दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बेस कलर करना है अपने कैरेक्टर्स को, फिर उसके बाद कलर की सेकेंड लेयर करनी है, और सबसे आखिर में डिटेलिंग करना शुरू करना है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। एंड डिटेलिंग की शुरुआत जो है हमेशा बॉर्डर से करना, जैसे मैंने पहले भी कहा है, एंड उसके बाद फिर शेडोज को दिखाना एंड फिर हाईलाइट्स को। और आपका रेफरेंस हर बार अलग होगा, सो इस वजह से मैं इतनी डेप्थ में नहीं बता पाया कि कैसे एग्जैक्टली डिटेलिंग करनी चाहिए। वो स्किल आप प्रैक्टिस करके ही हासिल कर सकते हो, उसके लिए कुछ अलग से ट्रिक वगैरह नहीं है। अब मैं उसके ब्लेड्स को कंप्लीट करूंगा, देन जो येलो वाला क्लोथ है उसमें एकदम अच्छे से शेडोज को दिखाएंगे, फिर जो बाकी बचे पार्ट्स होंगे उनको कंप्लीट करना शुरू करेंगे।
सो फाइनली ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ड्राइंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।